So guys, if you want lifted face, glowing and youthful skin, then facial massage is very important. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Apurva and I hope you're doing great. So guys, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं फेशियल मसाज, जो कि आपकी स्किन को एक रेडियंट ग्लो देता है, आपके फीचर्स को इन्हांस कर देता है और आपके फेस को एक लिफ्टेड इफेक्ट भी देता है, आपकी रिंकल्स और फाइन लाइन्स को भी रिड्यूस करता है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो यहाँ पे मैंने लिया आलमंड ऑयल, इसे मैं अपने हाथ में अच्छे से रब करूंगी एंड उसके बाद हम अपने हैंड्स, फेस और नेक को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हम आगे के स्टेप्स बहुत ईजिली कर पाए. तो गाइज, मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टी ट्री ऑयल का यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने अपने फेस और नेक को अच्छे से ग्रीस कर लिया, एक वार्म अप मसाज दे दिया है. तो अभी थोड़ा सा ऑयल और लेंगे, अपने हाथों में अच्छे से वार्म करेंगे उसे एंड देन अपनी नेक से स्टार्ट करेंगे हम. नेक में मसाज करने के लिए हम अपनी नकल्स का यूज़ कर सकते हैं और हमें मसाज डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में करना है. मेक श्योर मसाज के टाइम हम अपनी स्किन को पुल नहीं करेंगे, बहुत जेंटल प्रेशर के साथ हमें मसाज करना है. नेक मसाज करने से जितना भी फैट हमारे नेक के अराउंड होता है या डबल चिन होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है. ऑल्सो मेक श्योर पूरे प्रोसेस में आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखना है, काम रखना है. हमें ये पूरा प्रोसेस अराउंड 15-20 टाइम्स रिपीट करना है. नाउ आफ्टर नेक वील मूव टूवर्ड्स आर फेस. फेस मसाज करने के टाइम यू हैव टू मेक श्योर हमारे जितने भी स्ट्रोक्स होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, जिससे हमारा फेस लिफ्ट होगा, हमारे सारे स्टेप्स ऊपर की तरफ जाएंगे. सबसे पहले हम अपनी जॉ एरिया पे फोकस करेंगे. यहाँ पे हम अपनी फिंगर की नकल्स की हेल्प से मसाज देंगे, जॉ को बैकवर्ड मोशन पे पुश करेंगे. तो सेम स्टेप को हम अपने बोथ साइड पे रिपीट करेंगे. इस सेट को हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे. और नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी नोज पे फोकस करेंगे. फिंगर्स की नकल से अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए हमें नोज पे मसाज करना है एंड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 15 टाइम्स. अभी नेक्स्ट स्टेप में हम अपने एक हाथ को अपने लिप्स पे रेस्ट करने के लिए रखेंगे एंड नेक्स्ट हैंड से हम अपनी फिंगर्स की हेल्प से बिलो चिन एरिया पे मसाज करेंगे. तो हेयर वी आर फोकसिंग ऑन द फैट जो हमारे चीक्स एरिया के नीचे होता है, इसे करने से हमारे चीक्स भी शेप में आएंगे एंड हमारी जॉ लाइन भी शार्प हो जाएगी. तो नाउ इन दिस नेक्स्ट स्टेप वील फोकस ऑन आर चीक्स. तो अभी दोनों फिंगर्स की हेल्प से हम अपनी चीक बोन्स को पुल करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में. इस स्टेप से हमारे चीक बोन्स इन्हांस होंगे और जितना भी फैट होगा वो भी रिड्यूस होगा. सो वी हैव टू रिपीट दिस स्टेप्स फॉर 20 टाइम्स. तो फेस मसाज करने के लिए हमें किसी भी टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने हैंड्स की हेल्प से ही अपने फेस को शार्प और लिफ्टेड बना सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने हैंड्स को एल शेप देंगे एंड स्लाइटली ग्लाइड करते हुए हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. सो नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी अंडर आइज पे फोकस करेंगे. सो यहाँ पे वी हैव टू यूज़ आर रिंग फिंगर, क्योंकि उससे बहुत ही लाइट प्रेशर जाता है हमारे अंडर आइज पे. नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने आईज के अराउंड पैट करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और डार्क अंडर आईज भी रिड्यूस होंगी. नेक्स्ट स्टेप हमारी आईब्रोज और फोरहेड के लिए है. तो यहाँ पे मैंने अपनी टू फिंगर्स की हेल्प से अपने आईब्रोज को ग्लाइड करना है. इसे करने से हमारी आईब्रोज काफ़ी लिफ्ट हो जाती हैं. इस स्टेप हमें 20 टाइम्स रिपीट करना है. अभी इस स्टेप में हमें एक फिंगर अपनी आईब्रो के ऊपर, एक फिंगर अपनी आईब्रो के नीचे रखते हुए ग्लाइड करते हुए मसाज करना है. ये फोरहेड मसाज बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है. नाउ वील फोकस ऑन आर फोरहेड. नाउ फेस मसाज करने के बाद अपने ईयर्स को मसाज करेंगे एंड अपनी फेस और नेक को रिलैक्स करेंगे.
नाउ यू कैन सी हमारी स्किन ऐसे पिंकिश हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है फेस मसाज करने के बाद. आई सजेस्ट दैट यू डू दिस ट्वाइस अ वीक एंड प्रिफर इट डूइंग एट नाइट. इसे करने से ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और यूथफुल हो जाएगी, आपके फेस को लिफ्ट करेगा, शार्पनेस प्रोवाइड करेगा एंड ऑल्सो नेचुरल कॉन्टोर देगा. सो अगर अभी तक आप फेशियल मसाज नहीं करते हो देन स्टार्ट डूइंग इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग. ओके बाय बाय.